हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड फॉर्मूले और इलोंगेशन इन ए बार ड्यू टू लोड हैविंग वेरिंग एरिया। तो डिफॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उसको देखते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है स्ट्रेस का, सिग्मा जो होता है पी अपॉन ए, इसको हम लोग ई एप्सिलॉन जो हुक्स लॉ है उसको यूज करके हम लोग ई एप्सिलॉन लिख सकते हैं, और जो एप्सिलॉन को हम लोग डेल्टा एल अपॉन एल लिख सकते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ से हम लोग डेल्टा एल लिख सकते हैं, डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ई ए। और पी अपॉन ए को हम लोग सिग्मा लिख सकते हैं, स्ट्रेस एल अपॉन ई। ये जो फॉर्मूला है वो जब हमारा एरिया अलोंग द लेंथ वेरी नहीं करेगा तब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके इलोंगेशन निकालेंगे। यानी कि अगर कोई ऐसा हमारे पास बार हो, ये हैंग कर रहा हो, और इसमें कितना इलोंगेशन होगा, इसको इलोंगेशन होगा इसमें ड्यू टू सेल्फ वेट, तो इस ये इलोंगेशन कितना होगा इसको निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है लॉन्ग द लेंथ सेम है, वो वेरी नहीं कर रहा है। अगर हमारा क्रॉस सेक्शन वेरी करेगा तो हम लोग इस फॉर्मूले के को यूज करेंगे, डेल्टा एल इक्वल टू पी डी एक्स अपॉन ई ए। इसको हम लोग पी अपॉन ए को सिग्मा लिख लें तो ये इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी एक्स अपॉन ई, जो एल है उसको हम लोग डी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, और इसको फिर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम ज़ीरो टू एल। इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो ये अगर हमारे पास कोई ऐसा बार हो जिसका जो एरिया हो लॉन्ग द लेंथ वेरी कर रहा हो, जैसे यहाँ पे इस बार का जो एरिया है लॉन्ग द लेंथ हर एक जगह एरिया अलग अलग है, तो अगर ऐसा कोई क्रॉस सेक्शन या ऐसा कोई बार हो तो हम और उसमें इलोंगेशन निकालना हो ड्यू टू लोड, तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके इलोंगेशन निकालेंगे। अब इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल इक्वल टू पी अपॉन ई ए अपॉन एल। ये फॉर्मूला जो है वो इस फॉर्म में आ गया। से हम लोग स्प्रिंग का फॉर्मूला जानते हैं एफ इक्वल टू के एक्स, तो इसमें डेल इक्वल टू एफ की जगह पी एल लिखे तो पी अपॉन के, के की जगह इस फॉर्मूले में देखें तो ये है ई ए अपॉन एल। तो इस ई ए अपॉन एल को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस। और इसमें एक और टर्म होता है लॉन्गिट्यूडनल रिजिडिटी, सिग्मा एप्सिलॉन इक्वल टू पी अपॉन सिग्मा अपॉन ई लिख सकते हैं। तो सिग्मा को पी अपॉन ए इंटू ई, तो यहाँ पे जो ई ए होता है एप्सिलॉन इक्वल टू पी अपॉन ई है, तो इस ई ए को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिजिडिटी, लॉन्गिट्यूडनल रिजिडिटी। यहाँ पे हम लोगों के पास एक बार है जिसका एरिया अलोंग द लेंथ वेरी कर रहा है, इसका इस स्टार्टिंग पॉइंट पे इस क्रॉस सेक्शन का डायमीटर डी वन, और यहाँ
इस क्रॉस सेक्शन का डायमीटर D2 ये हम लोग को दिया हुआ है, और इस पे लोड P अप्लाइड है, तो इस लोड के कारण इस बार में कितना इलोंगेशन होगा ये फाइंड करना है। तो हम लोग एक एक्स लेंथ पे D डायमीटर एज्यूम कर लेंगे, तो इस डायमीटर D को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला, ये हम लोग जानते हैं, ये होता है वाई माइनस वाई वन अपन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डी माइनस डी वन अपॉन एक्स माइनस जीरो इक्वल टू डी टू माइनस डी वन अपॉन, इस बार का जो लेंथ है वो एल है, एल माइनस जीरो। तो इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा डी इक्वल टू डी वन, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग अल्फ़ा ले लेते हैं, डी टू माइनस डी वन अपॉन एल इक्वल टू अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा डी इक्वल टू डी वन प्लस अल्फ़ा एक्स। अब हम लोग इलोंगेशन निकालने के लिए जो वेरिंग लेंथ का फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। वेरिंग लेंथ के लिए जो फॉर्मूला है हम लोग के पास वो है डेल्टा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L P dx अपॉन EA। तो P अपॉन E यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर ले देंगे, ये आ जाएगा 0 से L dx अपॉन पाई एरिया पाई अपॉन 4, ये हम लोग डायमीटर निकाले हुए हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 4P अपॉन पाई ई, ये कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले लेंगे, 0 से L dx अपॉन डी स्क्वायर की जगह हम लोग पुट कर देंगे डी वन प्लस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर। इस इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डी वन प्लस अल्फा एक्स की जगह सब्सिट्यूट कर लें, मान ले डी वन प्लस अल्फा एक्स की जगह यू सब्सिट्यूट करके इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू अल्फा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा वन अपॉन अल्फा डी यू अपॉन यू स्क्वायर, इसको हम लोग इंटीग्रेट करके जो फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग के पास आ जाएगा इलोंगेशन के लिए वो आ जाएगा डेल्टा एल इक्वल टू 4PL अपॉन पाई ई डी वन डी टू, यानी कि 4 लोड इंटू लेंथ अपॉन पाई ई इंटू इनिशियल डायमीटर इंटू एक्सट्रीम डायमीटर।